सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में देखो अपन बात करेंगे जोनाथन गेमिंग के प्ले स्टाइल के ऊपर, उनके स्क्वाड में उनका क्या रोल है, अपन उस चीज़ को अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अपन वो रोल को कैसे मास्टर कर सकते हैं ताकि अपन भी उनके जैसे टॉप फ्रैगर के लिस्ट में आ सके। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप उनका करेक्ट रोल बता नहीं रहे, तो यार ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो एक बार खुद उनसे सुन लो कि उनका करेक्ट रोल क्या है उनके स्क्वाड के अंदर। बिकॉज आप आई डोंट नो, लोगों को पता है कि नहीं मेरा रोल क्या है। तो मेरा रोल एक फ्री मैन है, मतलब जो दिखे खत्म करना। नाउ वी नो कि उनका रोल एक फ्री मैन का है, तो अपन ये रोल को अच्छे से मास्टर कर सकते हैं एनालाइज करके। तो सबसे पहले अपन एनालाइज कर लेते हैं कि एक फ्री मैन के रोल में होता क्या है। तो अपन को एक फ्री मैन के रोल में एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जहाँ बंदा दिखता है वहाँ अपन घुस के मारते, चाहे वो क्लोज रेंज हो, वो मिड रेंज फाइट हो, वो लॉन्ग रेंज फाइट हो। लॉन्ग रेंज फाइट की बात की जाए तो जोनाथन लॉन्ग रेंज फाइट भी स्प्रेज और DMR से ही लेना पसंद करते। बोल्ट एक्शन जोनाथन उतना चलाते हैं नहीं व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। और जोनाथन का सबसे अगर अपन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताए तो जोनाथन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है जिगल और दूसरा उनका M4 6X स्प्रे। DP28 भी बहुत अच्छा चला लेते हैं जोनाथन, पर सबसे अगर उनका स्ट्रॉन्ग बताया जाए तो अपन एक उनका जिगल मूवमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और फिर उनके M4 स्प्रेस तो लेज़र जैसे आते हैं। अभी तक अपन ने देख लिया कि इस रोल में क्या किया जाता है और क्या नहीं, अब अपन देखेंगे कि कैसे जोनाथन ने इस रोल को अपने स्क्वाड में सिंक्रनाइज करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये रहती उनका मेन काम यही रहता है गेम के अंदर कि जब भी उनके प्लेयर्स पुश कर रहे हैं पीछे से उनको कवर देना होता है। ये एक सपोर्टर का भी रोल आ जाता है यहाँ पे ये एक बहुत क्रूशल रोल है जो जोनाथन निभाते हैं। नियो ने अपने वीडियो में एक बार कहा था कि अगर मैं घुस रहा हूँ और पीछे जोनाथन का कवर है तो मुझे पक्का पता है कि एक ना एक बंदा जोनाथन गिराएगा पीछे कवर के साथ। तो मैं एक बंदे को ले सकता, दूसरा बंदा अगर निकला तो जॉनी का कवर मार देगा उस बंदे को। तो आपको वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी का कवर रखना पड़ेगा अगर आप एक फ्री मैन के ऊपर खेल रहे हो सपोर्ट का पोजीशन में, क्योंकि देखो जब आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो तो यार जो सामने घुस रहा है बंदा वो आपके भरोसे पे घुस रहा है कि पीछे से ADS आ रहा है, अगर कोई भी सडन में आएगा तो पीछे से एक नॉक तो पहले निकलेगा ही निकलेगा। अब बात करते हैं कि ये रोल क्लोज रेंज में फाइट्स कब एंगेज करता है। तो ये रोल जब भी क्लोज रेंज में फाइट्स एंगेज करता है जब वो या तो सामने ही हो फाइट के दौरान या फिर दूसरे बंदे उसके थोड़े पीछे हो और उसको पुश करना है कोई घर पे। बहुत सारे बार होता है कि यार जिगॉट कभी एक नॉक निकाल देता है, नियो कोई पीछे हील कर रहा है, जिगॉट हील कर रहा है, तो जोनाथन बगी लेके स्लैम दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो क्लोज रेंज में भी फाइट निकाल सकते हैं और वो टाइम पे क्लच गॉड या जिगॉट जो भी पीछे है वो पीछे से कवर देगा और नियो भी फिर आगे आ जाएंगे। तो ये उनकी पूरी स्क्वाड के बीच में एक सिंक्रनाइजेशन अपन को देखने को मिलता है ताकि जोनाथन एज ए फ्री मैन खेल सके और उनकी स्क्वाड लिटरली उनको M4 सबसे पहले लाके देती है। ये चीज़ नियो ने भी अपने वीडियो में बोली थी। तो जोनाथन का M4 एक कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसके स्क्वाड मेंबर्स उसको अगर स्क्वाड में किसको भी सबसे पहले M4 मिलती है तो जॉनी को लाके देते क्योंकि जॉनी का कवर, जॉनी के स्प्रे सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट है उनके स्क्वाड में। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं अपन कि अपन इस चीज़ को कैसे मास्टर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को मास्टर करने के आपको दो ही मेन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला है आपके स्प्रेस, एक गन से एक स्कोप के ऊपर स्प्रे से नहीं, सारे वेपन्स सारे स्कोप के ऊपर आपको स्प्रे की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा है आपके फिर हेड कनेक्ट करना और मूवमेंट देना। ये अगर आप दो चीज़ों पर ध्यान दे दोगे तो आप जोनाथन का रोल आप भी निभा सकते हो आपके स्क्वाड में। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है इसके अंदर, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना। और मैंने एक जोनाथन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, उसका भी मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो एक बार चेकआउट करना नेक्स्ट पार्ट आए जब तक का। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग।